वेलकम टू नई सुभाष एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। प्रेशर कुकर की सीटी बजते ही मासूमा ने चूल्हा बंद कर दिया। चावल दम पर थे और झोंक लगाने के लिए प्याज वो पहले से काट कर रख चुकी थी। उसने दस्तर बिछाकर प्लेटें लगाईं और फ्रिज से अचार निकालते हुए सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 10:30 बज गए, आरिफ बस आते ही होंगे। ये सोचकर मासूमा अपना हुलिया सुधारने के लिए कमरे में गई। हाथ मुंह धोकर वो शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी लंबी घनी जुल्फें सवारने लगी। मासूमा का चेहरा बहुत पुरकशिश था, नाजुक नैन नक्श, हल्का गंदुमी रंग और बाएं गाल पर एक छोटा सा तिल, मानो जैसे कुदरत ने पहले से ही नजर का टीका लगा दिया हो। मासूमा का चेहरा जितना पुरकशिश था, उसकी जिंदगी उतनी ही बेरौनक थी और इसकी वजह तंगदस्ती थी। आपको आज आने में देर हो गई? हाँ, कुछ अर्जेंट काम निकल आया था इसलिए बॉस ने रोक लिया। लेट सिटिंग पर ओवरटाइम तो देते नहीं है, आपके ऑफिस वालों को तो बस गधा मजदूरी करवाने आती है, मासूमा ने चिढ़ते हुए कहा। हम कब तक इस कस्मा पुरसी की हालत में रहेंगे? आप तनख्वाह बढ़ाने के बारे में बात क्यों नहीं करते? मासूमा, तुम फिर वही रोना लेकर बैठ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो बेगम, हमें किसी चीज की कमी तो नहीं है ना। मैं हलाल रिस्क कमाता हूँ, हमारी हर बुनियादी जरूरत पूरी करता हूँ, अच्छा पहनते ओढ़ते हैं, खैर से सर पर छत है, और क्या चाहिए? मुल्क के हालात तो देखो, लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, लेकिन जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है ना आरिफ? आपका दिल नहीं करता हमारा बड़ा सा घर हो, नौकर चाकर एक आवाज पर हाजिर हो जाएं, एक बड़ी सी गाड़ी हो, हम कब तक आपकी इस खड़खड़ करती मोटरसाइकिल पर सफर करते रहेंगे? अफशीन को देखा है आपने, कैसे ठाट से बन ठन कर रहती है। तुम्हारा और उस अफशीन का क्या मुकाबला, वो तो हर वक्त बस गप्पे हांकती रहती है। अच्छा बाबा, अब उसे छोड़ो और अपना मूड ठीक करो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आरिफ ने अपनी जेब से एक सुनहरे रंग का लिफाफा निकाल कर मासूमा को दिया। ये क्या है? मासूमा ने लिफाफे को पलट कर देखते हुए पूछा। मेरे बॉस के बेटे का वलीमा है, उन्होंने पूरे स्टाफ को दावत दी है। ये सुनकर मासूमा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या वाकई? कब है तकरीब? 4 दिन बाद उनके बंगले पर इशाया है। ये सुनकर मासूमा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आपके बॉस तो खानदानी रईस हैं, वहाँ तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में हाई सोसाइटी से लोग आएंगे ना। हाय कितना मजा आएगा, मुझे बहुत शौक था कि मैं। मासूमा कुछ कहते कहते चुप हो गई। क्या हुआ मासूमा? आरिफ ने उसका परेशान चेहरा देखते हुए पूछा। आरिफ, मेरे पास तो ढंग का कोई जोड़ा नहीं है, मैं वहाँ क्या पहन कर जाऊंगी? अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम्हारी खालाजाद बहन की शादी में जो शरारा बनाया था वो पहन लो। छी, वो पहन कर जाऊंगी तो गवार लगूंगी, मासूमा ने अपनी नाक सुखेड़ते हुए कहा। ये जरी गोटे सलमा सितारे सिर्फ मिडिल क्लास लोगों पर अच्छे लगते हैं, अमीर लोग तो बहुत क्लासी और सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहनते हैं, आपको तो कुछ नहीं पता। अपनी बीवी को यूं नखरे करता हुआ देखकर आरिफ हंसने लगा। अच्छा तो मैडम मासूमा, आप क्या चाहती हैं? हुक्म कीजिए, आपका खादिम हाजिर है। आप बस कल ऑफिस जाते हुए मुझे जामा मार्केट तक छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। अगले रोज मासूमा मार्केट से 5 मीटर कपड़ा ले आई। वो जितनी समझदार थी उतनी सुघड़ भी। उसने महज 3 घंटे में अपने लिए एक खूबसूरत मैक्सी सिलकर तैयार कर ली। शाम को घर लौटने पर मैक्सी को देखकर आरिफ भी दंग रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मोतियों से टकी गुलाबी रंग की इस रेशमी मैक्सी पर इतना बारीक कढ़ाई का काम मासूमा ने खुद अपने हाथों से किया है। ऐसा लग रहा है मानो किसी माहिर टेलर ने अपनी निगरानी में 4-5 कारीगरों के साथ बैठकर किसी शहजादी के लिए 2-3 हफ्ते में ये मैक्सी तैयार की है। लेकिन ये तारीफ सुनकर मासूमा को खुशी नहीं हुई, उसे अब एक नई फिक्र लाहक हो गई थी।
ड्रेस तो रेडी हो गया, लेकिन मेरे पास इसके साथ पहनने के लिए कोई मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। मासूमा की ये शिकायत सुनकर आरिफ ने अपना सर पकड़ लिया। तुम किसी हाल में खुश क्यों नहीं होती मासूमा? आप समझ नहीं रहे हैं, मैं वहाँ बन ठन कर जाना चाहती हूँ, एक शाम अमीरों की तरह गुजारना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं आरिफ, मुझे ऐसा मौका शायद दोबारा कभी ना मिले। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि तुम्हें इस वक्त हीरे जवाहरात लाके दूं। जितनी चादर उतने पैर फैलाने में समझदारी है। देखो जिद मत करो, मैं कल तुम्हारी चांदी की चेन पॉलिश करवा कर ले आऊंगा, वो इसके साथ पहन लेना, बहुत प्यारी लगोगी। मासूमा ने यह मशवरा सुनकर बहस नहीं की, मगर उसे बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई। अगले दिन उसे एक हल सुझाई दिया। अगर वो जेवर खरीद नहीं सकती तो क्या हुआ, उधार तो ले सकती है ना। उसने फौरन अफशीन को फोन किया और उसे सारा माजरा बताया। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी ज्वेलरी है, तुम आकर पसंद कर लो। एक शाम की तो बात है, तुम तो मेरी बहनों जैसी हो, भला मुझे क्यों एतराज होगा। मासूमा बस यही तो सुनना चाहती थी। वो झट से अफशीन के घर पहुंच गई। इतने सारे कीमती जेवर देखकर मासूमा की आंखें खुली की खुली रह गईं। इन चूड़ियों, बालियों और अंगूठियों के बीच मासूमा की नजर एक नेकलेस पर जाकर रुकी। जरकोन और लाल हीरों से जड़ा ये नाजुक नेकलेस सबसे ज्यादा नायाब और अनमोल नजर आ रहा था। मासूमा ने उसे बहुत ध्यान से उठाया और उसकी चमक और बनावट को गौर से देखने लगी। मानना पड़ेगा मासूमा, तुम्हारी नजर बड़ी तेज है, मुझे पता था तुम्हें यही नेकलेस पसंद आएगा, अफशीन ने हंसते हुए कहा। मासूमा खुशी खुशी नेकलेस लेकर अपने घर आ गई। लेकिन जब उसने ये नेकलेस आरिफ को दिखाया तो वो दिल ही दिल में बहुत बरहम हुआ, कहीं हमसे इस कीमती अमानत को संभालने में कोई कोताही ना हो जाए। मगर मासूमा की खुशी देखकर वो चुप रहा। दो दिन की बेसब्री के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। आरिफ ने अपनी शहजादी के लिए एक शाही सवारी यानी एसी वाली कैब भी बुक करवाई। जब वो लोग बंगले पर पहुंचे तो पूरी महफिल की चकाचौंध मानो जैसे मासूमा के आगे फीकी पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो जैसे फलक से कोई परी उतर आई हो। उस नेकलेस ने मासूमा के हुस्न पर चार चांद लगा दिए थे। सारी शाम लोग मुड़ मुड़ कर मासूमा को देख रहे थे और वो तारीफ समेटती इतराती रही। मासूमा का बस चलता तो वो वक्त को वहीं रोक लेती और कभी इस ख्वाब को छोड़कर असली दुनिया में वापस नहीं जाती। घर आने के बाद वो फिर से शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई ताकि सोने से पहले एक आखिरी बार खुद को ऐसे तैयार हुआ देख सके। लेकिन आईने में अपनी झलक देखकर मासूमा के पैरों से जमीन निकल गई। उसके गले से वो नेकलेस गायब था। आरिफ और मासूमा ने पूरा घर उलटकर देख लिया, लेकिन उन्हें नेकलेस नहीं मिला, ना सीढ़ियों पर और ना रास्ते में। आरिफ ने अपने बॉस को फोन किया और फिर कैब कंपनी को, लेकिन काफी देर ढूंढने के बावजूद नेकलेस का कोई नामो निशान नहीं मिला। नेकलेस खो जाने पर मासूमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किस्मत ने उसे एक पल में थप थपा कर अर्श पर बिठा दिया और अगले ही पल थप्पड़ मारकर फर्श पर गिरा दिया। मासूमा सारी रात रोती रही और खुद को कोसती रही। आरिफ कभी उसे डांटता तो कभी दिलासा देता। इस मुश्किल से निकलने का सिर्फ एक ही हल था कि किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करके नेकलेस को लौटा दिया जाए, और उन दोनों ने यही किया। आरिफ ने ऑफिस और कुछ दोस्तों से एक बड़ी रकम उधार ले ली। घर और बाइक को बेचकर एक नया नेकलेस बनवा कर चुपचाप अफशीन को वापस कर दिया और उसे कानो कान खबर नहीं होने दी कि उनका बाल बाल अब कर्ज में जकड़ चुका है। प्रेशर कुकर की सीटी बजते ही मासूमा ने चूल्हा बंद कर दिया। चावल दम पर थे और हमेशा की तरह उसने झोंक लगाने के लिए प्याज पहले से काट कर रख ली थी। बावर्ची खाने से फारिग होकर मासूमा अपना हुलिया सुधारने के लिए कमरे में गई। हाथ मुंह धोकर वो शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी लंबी घनी जुल्फें सवारने लगी, जिनमें अब चांदी नजर आने लगी थी। 10 साल बाद मासूमा का पुरकशिश चेहरा मुरझा गया था।
झुर्रियां, दबा दबा सा रंग और आंखों के नीचे पड़े गहरे हलके उसकी आजमाइशों की दास्तां सुना रहे थे। उस हादसे के बाद आरिफ और मासूमा के हालात कभी बेहतर ना हो सके। कर्ज चुकाते चुकाते दोनों ने अपनी उम्र का एक सुनहरा हिस्सा गुजार दिया और मासूमा इस बात के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। फिर एक रोज बाजार में मासूमा की मुलाकात अचानक अफशीन से हुई। मासूमा, ये तुम हो? तुम और आरिफ भाई किसी को बताए बिना कहाँ चले गए थे? इतने सालों में तुम्हारी कोई खैर खबर नहीं मिली। कहाँ होती हो तुम आजकल? और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? इतने सालों से जिस राज को मासूमा ने अपने दिल में छुपा कर रखा था, आज उसने अफशीन के सामने वो राज खोल दिया। सारी हकीकत सुनने के बाद अफशीन का रंग उड़ गया। मासूमा मेरी जान, ये तुमने क्या कर दिया? एक बार मुझे आकर बताया तो होता। अफशीन का यूं चौंकना मासूमा को समझ नहीं आया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अफशीन, क्या हुआ? अरे जो नेकलेस तुमने उधार लिया था वो मैंने इतवार बाजार से कौड़ियों के दाम लिया था। वो नेकलेस असली हीरो का नहीं, कांच का बना हुआ था। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।